कॅन्सरग्रस्त असलेल्या 85 वर्षीय जेनुबिया यांचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय होता आणि यातून ते पैसे साठवत बँकेत ठेवत गेले. मात्र मुलीनेच बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बँकेच्या लॉकरमधून बनावट चावीच्या आधारे त्यांची रोकड काढून घेतली आहे. मौल्यवान वस्तूही चोरल्या. याबाबत वरील बँकांच्या अधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना देऊनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलंय. जेनिबिया यांचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय होता. त्यातून त्यांनी हडपसर भागात मालमत्ता खरेदी केली आहे. ती त्यांनी आजारपणामुळे विकली आणि त्यातून मिळालेली रक्कम त्यांनी आपले पती हयात असताना संयुक्त खात्यात शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि ठेवींच्या स्वरूपात ठेवली होती. पतीचं 2016 निधन झाल्यानंतर मुलींनी आईच्या आजारपणाचा असहाय्यतेचा फायदा घेऊन त्यांनी जेनुबिया आणि त्यांच्या पतीच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून सदर मालमत्ता आपल्या आणि काही अज्ञात व्यक्तींच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केलाय. या प्रकरणाची अधिक माहिती आशुतोष श्रीवास्तव यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे. ये बेसिकली जो हमारे साथ जो बैठी है ओल्ड लेडी है मिसेस पटेल, ये इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था पुलिस स्टेशन में, लश्कर पुलिस स्टेशन में. तो इस बारे में था बेसिकली कि इनके जितने भी पैसे थे बैंक ऑफ इंडिया में, कॉस्मोस बैंक में, इनके हस्बैंड के साथ जो बैंक अकाउंट था ये बैंक ऑफ इंडिया में और कॉस्मोस बैंक में. इन्हें बाद में ये पता चला कि इनके हस्बैंड का नाम डिलीट करके जो है इनकी डॉटर का नाम उसके अंदर ऐड हो गया है. और इनके जितने भी लाइफ टाइम जो इन्होंने मेहनत किया पोल्ट्री फार्म बिज़नेस वगैरह में, उससे जितना भी प्रोसीड्स आया था, जो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया था, वो सारा पैसा मैच्योर होकर इस अकाउंट में आया. और बाद में इनका ये एलिगेशन है कि इनके जो डॉटर हैं जुबिन, उन्होंने ये पूरे पैसे को उस अकाउंट से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया और कुछ ऐसे लोगों को भी बेनिफिट दिया जो इसके अंदर बाकी को एक्यूज्ड हैं, और ये सब इसके अंदर बेनिफिशियरी हैं. और कोर्ट ने जो है कैंटोनमेंट कोर्ट ने इसमें बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर किया है जिसमें पुलिस को डायरेक्शन दिया है FIR रजिस्टर करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कॉस्मोस बैंक और जितने भी अदर एक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट में, दो अलग अलग केसेज में, और इसका रिपोर्ट जो है बनाने के लिए और जो उचित कार्रवाई है वो करने के लिए. तो ये इस तरीके का केस है. या फसवणुकीबाबत पुणे पोलिसांना अनेकदा तक्रार दिली मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे शेवटी कंटाळून श्रीवास्तव यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली आहे असं जेनिबिया यांनी सांगितलंय. आय एम अन इनव्हॅलिड पर्सन विथ सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर, ब्लड प्रेशर अँड अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लेम्स टू माय एज, अँड आय हॅव नॉट बीन एबल टू मूव आउट मच अँड आय हॅव टू डिपेंड ऑन लिसनिंग टू ऑल द नेसेसरी requirements from day to day. There's nothing I have to say other than that I've been cheated in a very inhuman manner, which is very difficult for me to accept at this age. I'm 85 now.